मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th इंग्लिश। आप बिहार बुक से अध्ययन आपको कराया जा रहा है। आज पोयम 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। ठीक है, रेन मतलब वर्षा, आप लोग सब जानते हैं। जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, है ना, और वर्षा होने लगती है, तो क्या तुमने कभी छत पर हल्की वर्षा की ध्वनि को तो सुना हो? पर तुमने इस प्रकृति का संगीत सुना हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या क्या विचार आए, है ना। इस कविता यही चीज समझाई गई है कि वर्षा की संगीत को सुनकर कवि ने जो अपने सपने बनाए वो उसने उस कविता में उसको उतारा। ठीक, तो उसकी पोयम या कविता हम शुरू करते हैं। इसके जो राइटर्स हैं कोट्स के मिले हैं। When the mid shadows hover over all the starry shapers and the melanin holy darkness gently weeps in radiant tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain. Stanza 2. Every tinker on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollections weave their air thread into book as a listen to the bitter of the rain upon the road. छत पर लगी टाइल्स की जब बूंदें गिर टाइल्स में जब बूंद गिरती है तो उसकी ध्वनि बहुत हृदय को अच्छी लगती है और हजारों स्मृतियाँ उस वायु के साथ ताना बाना बनने लगती है, अर्थात मन में पुरानी स्मृतियाँ ताजा हो जाती हैं कि जब मैं छत पर वर्षा की आवाज को सुनता हूँ। To regard the darling dreamers ere she left them till then. Dawn, oh, I feel her calm look on me as I list to the refrain which is played upon the shingles by the patter. अब माँ मेरे स्मृति पटल पर उभरती हैं, जैसे कि वे बीते वर्षों में थी, वह हमारे भाई बहनों को सपने देखती निहारती थी। ओह, मैं मेरे ऊपर बहुत अच्छी दृष्टि डालती थी और जैसा कविता के पंक्तियों में दोहरा देते हैं, जो कि मैं छत पर टाइल्स की वर्षा की बूंदों को सुन सकता हूँ। ये थी कविता के भावार्थ। चलिए क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट, ठीक है, जब वर्षा होती है तो कवि पोएट क्या होता है, कवि क्या करना चाहता है। The poet's like to the feel the presence of his mother when it rains. It is a bliss for him. जब वर्षा होती है तो वह अपनी माँ की उपस्थिति का अनुभव करता है। Question number 2. Is the poet now a child? Is this mother still alive? क्या कवि एक बालक है और क्या इसकी माँ जीवित है? Answer. The poet is not a child. He is grown up. His mother is not alive. क्या कवि क्या है? Child नहीं है और उसकी माँ भी जीवित नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको याद करता है। When you were a young child, did your mother cut you? When मतलब कब? जब तुम बालक थे तब के तुम्हारी माँ तुम्हें मतलब स्नेह करती थी? Answer, yes, यानी हाँ, I remember, मुझे याद है, my mother used to tuck me in when I was a child, जब छोटा बच्चा था, तब क्या करती थी, मुझे दुलार करती थी, whenever I said that I couldn't walk, she would lift me in her lap and carry me, वो मेरी मुझे सावधानी से मेरी देखभाल करती थी, whenever something happened to me, she was worried, वो मुझे हमेशा दुलार करती थी।
और heavily as described in the poem. क्या तुम वर्षा को पसंद करते हो? जब भारी वर्षा होती है या लगातार होती है तो तुम क्या करते हो? Yes, I like. यानी हाँ मैं पसंद करता हूँ very much. Do I go out in the rain when it is light? It is very pleasant to get drenched in rain in summer. हाँ मैं वर्षा को पसंद करता हूँ. जब हल्की वर्षा होती है तो मैं बाहर जाकर वर्षा का मजा लेता हूँ, किंतु जब लगातार और भारी वर्षा होती है तो मैं नहीं जाता. मैं पानी में भीगना मुझे बहुत आरामदायक लगता है. टिंकल, टिंकल वर्ड्स मीनिंग में पहला शब्द आएगा टिंकल, मैंने हल्की बजने वाली कोई ध्वनि. हम संगीत बोल सकते हैं बहुत लाइटली जो बोलते हैं. शिंगल्स, शिंगल्स मतलब जो छत पे टाइल्स लगी होती है उसको बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है WOOF, वूफ. वूफ यानी ताना बाना. नेक्स्ट है ERE, ईरे. ईरे का मतलब होता है पहले या बिफोर. नेक्स्ट है REFRAIN, रिफ्रेन. रिफ्रेन का मतलब किसी गीत या कविता को दोहराने वाली पंक्ति, या बोल सकते हैं कि वर्षा की आवाज. नेक्स्ट HUMID मीन्स होता है ह्यूमिड. ह्यूमिड मतलब डैम, गीला, नम, नम या गीला. नेक्स्ट है POET, पोएट. पोएट का मतलब तो आप जानते होंगे ना, कवि. फिर है BLISS मतलब ब्लिस. ब्लिस मतलब आशीष. ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स में ही कंप्लीट हुए. चलिए होमवर्क दे रही हूँ आपको. रीड एंड राइट द पोयम इन योर कॉपी. ठीक है, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, राइट यानी लिखना. वो पोयम को पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना. ठीक है, लर्न क्वेश्चन एंड आंसर इन राइट इन कॉपी. आपको क्वेश्चन और आंसर भी लर्न करना है और लिखना है. एंड प्रैक्टिस ऑल्सो, ऑल्सो यानी होता है हमेशा, प्रैक्टिस में ही रहना है. ठीक है, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी लिखने हैं. ठीक है, याद करने हैं और लिख के दिखाने हैं. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.